कनार गांव सागर से हम आए हैं। हमारे भाई ये 10-11 महीने से यहाँ बैठे हैं। हम इनके लिए थोड़ा सा खाना लेकर आए और दूध लेकर आए। इनको हम सहायता करते रहेंगे और करेंगे, और हर एक को हम ये कहेंगे कि भाई हमारे भाई वहाँ 10 महीने से बैठे हैं, क्या नाम, उनके पास सभी को जाना चाहिए और उनका साथ हमेशा निभाना चाहिए। सर, बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग अलग गुट बना के बैठे हुए हैं अपने घरों में, जंतर मंतर के धरने को टांग खींचने का काम करते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये लोग जंतर मंतर में बैठ के हमारे पूर्व सैनिकों की बात कर रहे हैं, उन्हीं के हक की बात कर रहे हैं। उनको आप कैसे देखते हैं? उनको तो हम पूरी नज़र से देखेंगे, हम उनको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। जो हमारे साथ हमारे में से निकल करके वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। ठीक है सर। सर, आप लोग कहाँ से आए? सर, हम पंजाब से आए हैं, पटियाला से जी। हमारा एक ही मिशन है कि OROP-1 के बारे में, 2 के बारे में अगर 3 आती है तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है जी। हम इसी बात पर अड़े हुए हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई जाए, जिसको CGI जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डिटेल करे, और वो कमेटी 3 महीने में हमें जवाब दे कि हम गलत हैं। अगर हम गलत हैं तो हम ऐसे ही उठकर चले जाएंगे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार की क्या मजबूरी है? लाखों हजारों जज जो है देश के अंदर रिटायर घर बैठे हुए हैं, अगर उनको बुला के वो करके क्या नाम उन पे जिम्मेदारी दिया जाएगा। भाई, देश में पूर्व सैनिक 1.25-1.5 करोड़ के आसपास हैं, उनके हक की लड़ाई की जांच करो, तो उनको क्या ऐसा डर है जो अरे सरकार कमेटी नहीं बना रही? सरकार को सिर्फ डर है क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, उन्होंने अफसरों की बात मानी है, अधिकारियों की बात मानी है, जवानों को पूछा नहीं गया है, JCOs को पूछा नहीं गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है और अपना ही करते रहे हैं। MSP कोई ले लो, एक अफसर को 15,500 है, एक नर्स जिसने कभी लड़ाई में जाना नहीं, जिसको हथियार अथराइज नहीं है, वो 10,800 रुपया ले रही है। एक छिपाही जो सबसे आगे होता है, एक JCO जो सबसे आगे होता है, उनको 5,200 है। क्यों ऐसा हुआ? ये सभी ऊपर वालों की और अधिकारियों की मिली भुगत से हुआ। अगर मिली भुगत नहीं होती तो ऐसा कभी नहीं होता है। अभी देश का पूर्व सैनिक अधिकारियों के ही तो उसमें आ रहा, गुमराह कर रहे हैं वो अलग अलग JCO जवान बन के। अभी जो जैसे घर से निकल नहीं रहे हैं जवान लोग या JCO लोग, वो उनके चमचे हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं। फौज में तो किया ठीक है, लेकिन घर में आकर भी, पेंशन आकर भी उनकी चमचागिरी में लगे हुए हैं। किस लिए, क्यों ऐसा करते हैं? उनको चाहिए कि जवानों का साथ दे, जवान JCO के साथ लगे वो भी, और एक मंच पर आकर हमसे बात करें। अगर किसी को हमारे लीडरशिप में या किसी चीज में गड़बड़ी नजर आती है तो वो आगे आए, हम उसको लीडर बनाने के लिए तैयार हैं। जी सर, बताइए। मैं कहना चाहते हैं सर, धरना को इतने दिन से हो गया, सरकार अपनी कान में नहीं जू रख रही है। एक साल का टाइम हो गया जवानों को इधर जंतर मंतर पर बैठे हुए क्यों? हमारी फरमानी में लिखा हुआ है जब आपकी औरतें बने अति हिरन में तब जूझ मरो। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर थे। इसके लिए एक जो प्रधानमंत्री है, एक जवानों को इधर एक साल से ऊपर हो गया है कि जो कि एक ORP रैंकी पेंशन से आप उनके बच्चे घर में बैठे हैं, जवान इधर जंतर मंतर बैठे हैं, उसको सोचा चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो TV के माध्यम से सौगात दे दिए हैं। सौगात नहीं दिया, गुमराह कर रहे हैं। जब सौगात देते हैं तो इधर जंतर मंतर पर बैठने की कोई लोड़ नहीं, हम अपने घर को चले जाते। ये सिर्फ लॉलीपॉप है जो दिया है, वो अंबानी अडानी को दिया है।
जो रोड चीज बन रहा है वो सभी अंबानी अडानी के पास, पैसा सभी अंबानी अडानी के पास जा रहा है। फौज के बंदों को सिर्फ दिया, अफसरों को, अफसर हमारे को अभी नीचे को जवान को गुमराह कर रहे हैं कि हमने दिला दिया हमने, लेकिन ना जवान को, ना जेस को, ना जो ऑलरेडी कैप्टन है और उनको कुछ नहीं मिला, वो खाली हाथ हैं। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहते हैं, लगातार टीवी के माध्यम से कहा जाता है कि जवानों को सौगात दे दी गई है। असं ये कहना चाहते हैं कि जवान पर कोई भी इहदा बेनीफिट नहीं आया, क्योंकि जदों धरना लग्या सी विच अफसर सी नाल, तो अफसरां ने मतलब जाके इन्हां नूं जवानों नूं नहीं पुछया, डायरैक्ट जाके वह जो पैकेज ले लिया, लैके अपना बंटवारा कर लिया और जवान ऐसे ही रह गया। इसी करके इन्हां नूं धरना लाने की जरूरत पई। तो इहदा इंसाफ वास्ते जिहड़े 3 जज रिटायर जज है उहदी डिमांड हो रही है रिटायरमेंट वालों, तो जो वह फैसला देंगे वो फैसला जल्दी मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को यह मतलब फैसला जवान तक पहुँचाना चाहिए ताकि जवान को तसली हो जाए कि साड़ी एक गवर्नमेंट है जिहड़ी एक जवान ने खड़ी की है, क्योंकि जनता दे जरिए ये सारे मिनिस्टर राज करते हैं, अज जनता नूं जरूरत है। तो क्या 10 महीने से सरकार सुन नहीं रही है? 10 महीने से सरकार नहीं सुन रही है, वह गोले हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि साढ़े जो कुछ रिटायरमेंट जवान ने वह उन्होंने गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके उन्होंने उल्टी पड़ती पढ़ाई जा रही है, जिदे कारण यह सरकार पिछे नू जा रही है, जे ये फैसला नहीं कर रही। तो ये असी ने धरना ला रखा और हमेशा ला के रखा जब तक सानू फैसला नहीं मिलेगा।